हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुमकुम किचन्स। आज हम बनाएंगे वड़ा। इसको आप सांभर के साथ परोस सकते हैं या फिर चटनी के साथ भी खा सकते हैं। इसके लिए मैंने दाल को अच्छे से साफ करके, यहाँ मैंने उड़द की दाल ली है, इसको साफ करके पूरी रात भर भिगो लिया है। इसको अब हम मिक्सर के जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। देखिए, इसमें हमें पानी नहीं जाने देना है, ज्यादा पानी से यह गीली हो जाएगी और बड़े अच्छे नहीं बनेंगे। इसको हमें बिल्कुल बारीक पीसना है। देखिए, हमारी दाल पीसकर तैयार हो गई है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। बाउल में निकाल कर मैंने इसको चम्मच से 5 मिनट तक अच्छे से फेंट लिया है, जिससे कि यह थोड़ी हल्की हो जाती है और बड़े अच्छे से फूलते हैं। यहाँ मैंने 1/4 चम्मच हींग डाली है, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ, कड़ी पत्ते बारीक कटे हुए और थोड़ा सा हरा धनिया। मैंने यहाँ 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ डाला है, कद्दूकस किया हुआ नारियल और नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप नमक सबसे लास्ट में मिलाइए जब आप बड़े बनाने लगे तभी, नहीं तो दाल गीली हो जाती है। यहाँ मैंने 1 कटोरी में पानी लिया है, इसमें हम हाथ गीला करेंगे और जितने बड़े आकार के बड़े बनाने हैं उतनी क्वांटिटी में दाल लेकर इसे हाथों से इस तरीके से फैलाकर बीच में छेद करके बड़े बनाएंगे। यदि आप इसे आसानी से हाथ से नहीं बना पा रहे हैं तो आप पॉलिथीन की सहायता से बना सकते हैं। इसे आराम से गर्म तेल में डालिए। देखिए, इस तरीके से ध्यान से कीजिए ये काम और इसे हम मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे, जिससे कि ये अंदर तक पक जाए। देखिए, हमारे बड़े सुनहरे हो गए और अंदर तक पक गए हैं। इसको फ्राई करने में मुझे 5 से 6 मिनट लगा है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। मैंने इसे यहाँ सांभर के साथ सर्व किया है। यदि आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।